5 best tricks in just 5 minutes you will be able to speak fluent English. I can, I will. How? बस सोचिए आपने आज सुबह क्या किया, जब से उठे पूरे दिन में जस्ट 5 वर्ब्स अपने माइंड में रखिए, उनको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के साथ ऐड कर दीजिए. ओनली यूज आई एंड यू. सपोज आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे, आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग यस्टरडे, आई विल गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो. डेली 5 न्यू वर्ब्स को आपने यूज करना है. डेली, एवरी डे. आई प्लेड यस्टरडे, आई प्ले टुडे, आई विल प्ले टुमारो. बस आपने ये 5 नए वर्ब्स यूज करिए और देखिए डे बाय डे फ्लुएंसी आ जाएगी. और सेंटेंस बनाकर उनको बोलना है. यू हैव टू रिपीट दैम अगेन एंड अगेन विद योर सेल्फ, विद योर फ्रेंड्स. यू हैव टू जस्ट चेंज द वर्ब्स एंड देन कंटिन्यूस स्पीकिंग. प्रैक्टिसिंग विल मेक यू डेफिनेटली स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट. अब ये देखते हैं कि हम क्यों नहीं बोल पाते हैं. What are the reasons which stop us using the simple sentences in our daily life? दोस्तों, हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं और हम इंग्लिश सीखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद हमें लगता है प्रॉब्लम इज देयर, हम तो वहीं के वहीं रह गए. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? What are the reasons कि हम बोल नहीं पाते हैं, हम उस फ्लुएंसी को डेवलप नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, isn't it? तो उनको देखते हैं. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन टिप्स. इफ यू फॉलो देम यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे. तो सबसे पहली बात है कि आपको बोलते रहना है. कंटिन्यूस स्पीकिंग ऑलवेज मेक्स यू एक्सपर्ट. जब आप सिर्फ सीख जाएंगे, जैसे आपने स्विमिंग सीखी है, तो स्विमिंग आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तो हाउ विल यू स्विम? तो जब तक आपको सारे रूल्स आते हैं, यू नो एवरीथिंग, जब तक आप उनको बोलना यूज नहीं करेंगे, सबके सामने बोलेंगे नहीं, तो कैसे आएगा? गलतियां तो होती है, गलतियां तो करेंगे ना आप. अपनी गलतियों को फिर खुद सुधार लेंगे. आपको पता चल जाएगा कि कहां आप गलत कर रहे हैं. तो सबसे पहले हेजिटेशन को रिमूव करो. अपने मन में यह मानो मुझे आता है, आई नो इट एंड आई विल स्पीक इंग्लिश. आज से ही अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे इंग्लिश आती है और मुझे बोलना है. और सिंपल सेंटेंसेस डेली रूटीन को लीजिए और डेली रूटीन से रिलेटेड आप सिंपल सेंटेंसेस को बोलते रहिए. आज मैंने ये किया, आई डू दिस, आई विल डू दिस, आई डिड दिस. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये टाइम है, ये एक साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं चलते हैं. ओके, तो हम उसको तीनों को एक साथ लेके चलते हैं ना. I did it yesterday. I do it today. I will do it tomorrow. That's it. कोई भी काम आप कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को साथ लेके चलेंगे तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे. शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस. प्रोवर्ब्स याद कीजिए, उनको यूज कीजिए. फ्रेजेस हैं तो उनको यूज करना सीखिए. 5 वर्ड्स न्यू वर्ड्स डेली आप अपने वोकैबुलरी में ऐड करिए. और कोई भी वर्ड सिंगल ऐड मत करिए. सिंगल से मतलब है आई से, जैसे ब्लंट वर्ड्स, शार्प नाइफ, डार्क नाइट. अब ये सिंपल है, वेरी सिंपल वर्ड. एडजेक्टिव्स को यूज कीजिए. अट्रैक्टिव वर्ड. पैशन पैदा करें अपने अंदर और जितना ज्यादा आप यूज करेंगे आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे. सबसे पहले अपने अंदर एक उम्मीद जगाएं, एक आशा जगाएं, मुझे आता है और मुझे बोलना है. स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इस बात को हमेशा याद रखें. डोंट गिव अप, कोशिश करते रहें, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी. चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.